दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है टेक्विला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल शशांक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई ऑडियो कार्ड क्या होता है। तो भाई ऑडियो कार्ड में आप लोगों को बता दूं, आप जो है आपने अगर सुना होगा माइक्रोफोन से लोग जो है वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कंडेंसर माइक की तो भाई उसको कनेक्ट करने के लिए आपको पीसी में कनेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट अगर उसे कनेक्ट करते हैं तो उस कंडेंसर माइक को कुछ पावर की जरूरत होती है। उस पावर के लिए ही जरूरत पड़ती है हमें ऑडियो कार्ड की। तो ऑडियो कार्ड को कनेक्ट करते हैं हम पावर कंडेंसर से और माइक से, और उसके बाद में आप जब उसको कनेक्ट करते हैं अपने पीसी से लैपटॉप से तो उसका पावर जो है आपके कंडेंसर माइक में जाता है और जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, वो और ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड होता है और ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड हो पाती है, मतलब आपको मॉड्यूलेटेड होती है वॉइस। तो हमें ये करना है इसको कनेक्ट करके और आपको जो है करके हम बताएंगे और अनबॉक्स ही करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास में एक अनबॉक्सिंग का यहाँ पे लेके आए हैं हम ऑडियो कार्ड, तो उसको भी आप सभी के सामने हम करेंगे अनबॉक्स। साथ साथ में आपको मिल रहा है ये ऑडियो कार्ड। तो भाई इस तरह का ऑडियो कार्ड दिखता है, आपको अगर दिख रहा होगा इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ओपन होगा, पीछे से इसको करिए ओपन, जिसके पीछे एक मैनुअल भी लगा हुआ है। आई थिंक मैनुअल कम लग रहा है, ये दूसरी चीज़ ज़्यादा लग रही है। और ये है ऑडियो कार्ड भाई, तो ये इस तरह का ऑडियो कार्ड आपको दिखेगा और आपको लैपटॉप में ये जो है कनेक्ट करना है। साथ ही साथ में यहाँ पे पीछे इसके दो पोर्ट दिए होते हैं। अब ये कहीं से लाइट चमके तो मैं आपको दिखाऊँ, ये दो पोर्ट होते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहे होंगे दो पोर्ट है। तो एक पोर्ट आपका जो होता है जिसमें आप अपना हेडफोन लगाते हैं और एक हेड का पोर्ट है जिसमें आप लगाते हैं अपना माइक को कनेक्ट करते हैं यहाँ से। तो ये दोनों पोर्ट हैं। साथ में यहाँ पे आपको ऊपर वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का भी यहाँ पे बटन दिया हुआ है। और यहाँ पे आपके जो है आपको इसके अलावा अगर आप स्विच करना चाहते हैं, मतलब अगर आप जो है वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं या और यहाँ पे अगर म्यूट करना चाहते हैं माइक को या फिर अपने हेडफोन को, तो दोनों को भी आप यहाँ पे इसको म्यूट भी कर सकते हैं। तो ये जो है आप इसको यूज़ कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं एक साइड में जो है यहाँ माइक को कनेक्ट कर दिया है हमने और एक साइड में ये आपका कुछ भी यहाँ पे आप चाहें तो अपने जो स्पीकर हैं उसका जो जैक है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर।